I still remember those days when I used to sit along with my child on my lap for the entire night and thinking about the job which I quit. It was difficult for me. It was very difficult for me to accept the fact that I quit my job after baby. Well, I am Sabah Hassan, owner and founder of Heavenly Handmaids for You, and a mother of 4-year-old, very naughty little boy. So I'm here telling you about the story, of my story, my struggles, how my brand Heavenly Handmaids came into existence, and how I took my brand here, which is stabilized today now. So first of all, let me start with a huge respect and thank you to Twilight Talk and Women's with Wing, who has given me this opportunity to come ahead and tell my story so that it could inspire to someone with a dream, something like this. Well, let's understand the fact that in India, whenever a girl gets married, she not only marry with a family, with a guy, but she marry with lots and lots of responsibilities, and because of those responsibilities, many times we, you know, with the burden of those responsibilities, we tend to forget our dreams, and that happens with every woman, right? Almost every woman. Or uske upar agar baby ho jaye, then so we just can't think of our dream. तब तो हमारा ड्रीम बिल्कुल चेंज हो जाता है. सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ. बट इन सब से फाइट करके कैसे मैं आज इस मुकाम पे हूँ, कैसे आई एस्टैब्लिश्ड माय ब्रांड, आई एम हियर टू शेयर दैट विथ यू ऑल. सो लेट मी टेक यू बैक टू 2015, जहाँ से सबकी शुरुआत हुई. 2013 में मेरी मैरिज हुई. उसके कुछ सालों बाद इन 2015 वी गॉट द न्यूज़ दैट, नॉट इन 2015, इट्स एंड ऑफ 2014 व्हेन वी गॉट द न्यूज़ दैट वी आर प्रेग्नेंट, एंड इट वाज़ द मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस फॉर बोथ ऑफ अस. आई मीन एनी न्यू मदर एंड एवरी वन ऑफ अस कैन रियलाइज कि पहला बेबी और पहली प्रेगनेंसी की जो न्यूज़ होती है वो कितनी प्रीशियस होती है. सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था. खैर चीज़ें चली, कुछ टाइम बीता एंड वी आर वेरी हैप्पी. और उसके ऊपर से वो हैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ गई जब हमें पता चला कि इट इज़ ट्विन. व्हेन आई वाज 5 months pregnant, we got to know that it's a high risk pregnancy, and we lost them. But well, that was a situation which took me into depression. I was very depressed for many months. I was not even able to concentrate on anything. I not used to like anything. कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी. लाइफ से, लाइफ जीने की जैसे एक उम्मीद छूट गई थी. बट कितनी भी कोशिश कर रही थी मैं, बट वो जो ट्रॉमा था उससे मैं निकल नहीं पा रही थी. खैर वक्त बीता, धीरे धीरे उस चीज़ से उभरने के लिए मैं इंटरनेट का सहारा लेने लगी, और उसी में मुझे पता चला आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में. खैर आर्ट एंड क्राफ्ट हमेशा से मेरी लाइफ में रहा है, बट कभी उसको मैंने एज अ प्रोफेशन कभी सोचा नहीं था. खैर उस वक्त जस्ट क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, तो मैंने देखे कुछ क्राफ्ट की चीज़ें और मैं उसे बनाने लगी, तो मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ और मैं उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगी, विच हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम दैट डिप्रेशन. ये चीज़ें चली, और उस वक्त
वो टाइम था, वो फेज था जब मैंने हेवनली हैंडमेड्स फॉर यू एक अपना पेज बनाया, और बट कभी सोचा नहीं कि उसको मैं रन कैसे करूँगी या कैसे आगे चलाऊँगी, उसे आगे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है कुछ पता नहीं था, बस बना दिया आउट ऑफ इंटरेस्ट कि मैंने जो बनाया है, मेरा जो आर्ट वर्क है मैं उसमें डालूंगी। जस्ट विद द थॉट ऑफ दैट मैंने अपना वो पेज बनाया। खैर वक्त भी था, फाइनेंशली जो क्राइसिस से हम लोग, जो ट्रॉमा से हम लोग गुजरे थे, तो फाइनेंशली वी वर वेरी वीक। सो मैंने दोबारा अपना जॉब ज्वाइन किया, बट उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का। खैर कुछ वक्त बीता और देन वी गॉट न्यूज दैट वी आर प्रेग्नेंट अगेन, एंड वी वर ब्लेस्ड विद अ वेरी हैंडसम बेबी बॉय इन द ईयर ऑफ 2017। अब ये जो बीच का वक्त था, इस टाइम क्राफ्टिंग को मैंने हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि जॉब की वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता था। फिर 2017 में जब मेरा बेबी हुआ, कुछ टाइम बाद क्योंकि मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला तो मुझे अपना जॉब क्विट करना पड़ा। अब वो जॉब क्विट करने का भी एक रीज़न था क्योंकि जो मेरी लास्ट टाइम जो प्रेगनेंसी हुई थी, सो उसके बेसिस पे पता चला कि आई हैव अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो जो मेरा इस वक्त बेबी हुआ, उस बेबी को सर्वाइव करने के लिए आई हैड टू गो ऑन बेड रेस्ट फॉर 7 मंथ्स, विच वॉज लाइक वो इतना एक्सट्रीम बेड रेस्ट था कि आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू सिट फॉर अ सिंगल सेकेंड टू हैव अ सिप ऑफ वाटर। सो बी अ हैंडफुल ऑफ मेडिसिन, बी फूड और वाटर, एनीथिंग, आई हैड टू हैव इट लाइंग ऑन अ बेड। उस वक्त पानी पीने के लिए भी मुझे स्ट्रॉ यूज करनी पड़ती थी बिकॉज मेरा जो फुट एंड था वो एलिवेटेड रहता था। सो इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज, बट इतने डिफिकल्ट फेज के बाद जब वो बेबी इस दुनिया में आया, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसे किसी डे केयर सेंटर में छोड़ के जा सकूँ काम के लिए। बट अगेन ड्रीम तो ड्रीम होता है, तो ड्रीम तो था गया, ड्रीम तो अंदर था ही दिल में, वो तो जा नहीं सकता था कहीं। सो चला, कुछ वक्त बीता। अब रात में जब मैं बेबी को लेके बैठती थी, बिकॉज वो पूरी रात जागता था, वो हम हर न्यू मॉम्स को पता होता है, सो बेबी पूरी रात जागता था। जब मैं उसे गोद में लेके बैठती थी, तो वो एक जो चीज थी कि मतलब मेरा जॉब नहीं है, आई एम नो मोर सेल्फ इंडिपेंडेंट, मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो मुझे बहुत पिंच करता था। बिकॉज मैं हमेशा से पढ़ाई में स्कॉलर रही हूँ और बहुत मेहनत करती थी पढ़ने में, रात रात भर जाग के पढ़ती थी, और उसके बाद आफ्टर फ्यू इयर्स आपका बेबी हो जाए और उसके बाद आपको ये रियलाइज हो कि चलो भैया अब आपको जॉब नहीं करनी है, अब सिर्फ आपका बच्चा है एंड यू डोंट हैव यू एनी आइडेंटिटी नथिंग, सो वो तो जो एक फैक्ट था वो मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था। खैर चीज़ें चली, बेबी कुछ मंथ का हुआ एंड देन थोड़ा बहुत मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में दोबारा से, बहुत सालों बाद जो मैंने कुछ साल पहले पेज बनाया था उसको मैंने ब्राउज करना शुरू किया। और वो कहते हैं ना कि एक आग लगने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अपने ही काम को मैं ब्राउज कर रही थी और उसी में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा नहीं चलो कुछ और बनाते हैं, कुछ बनाने बैठे। सो सबसे पहले मैंने ज्वेलरी मेकिंग स्टार्ट की थी, और मैं पेपर्स की ज्वेलरीज बनाती थी, क्विलिंग की ज्वेलरीज, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी एक्सप्लोर किया, चीज़ें सीखने की मुझ में बहुत चाहत है, मतलब मुझे हमेशा नई चीज़ें सीखनी होती है, रिसर्च करना इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई वुड से, क्योंकि कोई भी चीज़ें स्पेशली अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की हो, सो कोई भी चीज़ें होती हैं, सो आई ट्राई टू डू अ डीप रिसर्च फॉर दैट। सो ऐसे ही चला, आई डिड वेरी डीप रिसर्च इन टू क्राफ्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें थी। पेपर क्राफ्टिंग इज़ नॉट जस्ट द थिंग्स, अ डेलिकेट थिंग्स मेड अप आउट ऑफ पेपर, इट इज़ मच मोर देन दैट, विच आई रियलाइज ओवर द टाइम। खैर
मैं जब एक बार चिंगारी लग गई तो फिर सोचा कुछ करते हैं, अब तो कुछ करना बनता है। धीरे धीरे करना शुरू किया। जो मेरी जॉब मैंने क्विट की थी जब मेरा बेबी हुआ, तो उसका मुझे पीएफ मिला था। उस पीएफ में से आई टुक आउट सम अमाउंट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सारी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दूँ। सो पहले मैंने थोड़ी अमाउंट निकाली, विच वॉज 1500। वो मेरा पहला अमाउंट था जिससे मैंने कुछ सप्लाईज ली और चीज़ें बनानी शुरू की और पेज पे अपने अपलोड करना शुरू किया। अब जो लोग मेरे नोन थे, मेरे फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स में थे, उनको तो चीज़ें पसंद आई, बट बाकी जो अगर कहा जाए कि वो हमारे सबसे पहले आई वुड से कि हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बट बाकी जब हम आगे वर्ल्ड में देखते हैं तो वो चीज़ें उतनी लाइक नहीं हो रही थी। अब समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। खुद को और पॉलिश करना शुरू किया, और रिसर्च की, और एक्सप्लोर किया, क्या चीज़ें हैं, क्या है, किसी की पोस्ट में ऐसा क्या है, किसी के प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो उसके प्रोडक्ट आगे बढ़ रही है और मेरी नहीं, क्यों क्यों ऐसा है। वो क्यों जो होता था वो मेरे अंदर हमेशा आता था जब मैं पोस्ट करती थी या मैं अपनी चीज़ें सोशल मीडिया में दिखाती थी, बिकॉज मेरे लिए एक सोशल मीडिया ही ऑप्शन था कि मैं अपने काम को दुनिया को दिखा सकूँ। चीज़ें चली, चीज़ें होती गई, और कुछ टाइम बाद पता चला कि जो मेरा बेड रेस्ट हुआ था उस वजह से, जो जितनी मेडिकेशंस थी उन सब की वजह से मेरी राइट ओवरी ट्विस्ट हो गई। और वो ऐसी ट्विस्ट हुई कि उसको निकालना ही एक ऑप्शन बचा था और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सो कई सालों बाद तो मैंने अपने ड्रीम को थोड़ा सा किक स्टार्ट करना शुरू किया था, और उसके बाद अगेन वो स्टॉप हो गया। बट कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है, एंड दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ रियली फैक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं हॉस्पिटल बेड पे होते हुए भी आई यूज़ टू थिंक अबाउट माई वर्क, माई क्राफ्ट, कैसे करना है, क्या करना है। उसके अलावा अलॉन्ग विद दैट क्राफ्ट मेरे पास एक ग्रोइंग बेबी भी था जिसको मुझे केयर करना था, तो ये दो चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में चलती थी, क्योंकि मेरे अब दो बेबी थे, एक तो मेरा बेटा और दूसरा मेरा क्राफ्ट। दोनों के बीच में कैसे मैनेज करना है, पूरा टाइम हॉस्पिटल बेड में रह के मैं सोचती रहती थी कि जैसे ही ठीक होके जाऊंगी अब ये करूंगी, जैसे ही ठीक होके अब निकलूंगी तो ये करूंगी। तो खैर ऐसी चीज़ें चली, मैं ठीक हुई, और उसके बाद पता चला कि वी ऑल लैंडेड इन टू दिस सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक। सो पेंडेमिक में हालांकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली, वक्त मिला करने का, क्योंकि उस टाइम ही एक ऐसा था जब मेरे हस्बैंड को घर से काम करना होता था, और घर से काम करना होता था तो वी ऑल नो कि थोड़ा सा सपोर्ट तो मिल ही जाता है अगर बच्चा हो साथ में तो। सो आई वुड से कि मेरे काम में, मेरे काम की एग्जिस्टेंस में, हेवनली हैंडमेड्स फॉर यू की एग्जिस्टेंस में जितना पार्ट मेरा है उतना ही पार्ट मेरे हस्बैंड का है, बिकॉज शायद मैं वो नहीं कर पाती अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते। क्योंकि जितना मैं अपने बेबी को हैंडल करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ उसको ग्रो करने में, उतना ही वो मेरा करते हैं। सो चीज़ें ऐसी चली, दिन के टाइम में वो बेबी को संभालते थे, मैं भी दिन के टाइम में अपना काम करती थी, और इस तरह से पैंडेमिक में मैंने दोबारा ऑपरेशन के बाद अपना काम शुरू किया। आई बीन वेरी डिटर्मिन्ड, मैं अपने टाइम को बहुत प्लान करके चलती थी, पूरा दिन प्लान करके चलती थी। मेरे पास पूरे दिन में 1 मिनट भी नहीं होता था बैठने के लिए, और आज भी नहीं होता है, मैं 1 मिनट नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे अपना दिन बहुत ही स्ट्रिक्टली प्लान करना होता है। बहुत स्ट्रगल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अपना ड्रीम अचीव करना इज ईजी, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट इज़ नॉट एट ऑल, बट अगर एक डिटर्मिनेशन है ना आपको अगर कुछ चीज़ अचीव करने की, तो वो हो जाएगा।
बट डिटरमिन होना बहुत जरूरी है, एक और ड्रीम होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको लगे कि आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है उस थॉट की वजह से, उस दिन समझ लीजिए कि देर इज समथिंग इन टू दैट वर्क विच गोना गिव यू योर आइडेंटिटी। सो चला ऐसे ही धीरे धीरे। आई रिमेम्बर ऑगस्ट 2020 में प्रॉपरली मैंने अपना काम पे ध्यान देना शुरू किया, कंटिन्यूसली मैंने काम करना शुरू किया। एंड इफ आई से अबाउट द स्ट्रगल, माई स्ट्रगल वॉज सो एक्सट्रीम कि इवन हर स्टेप पे वो स्ट्रगल्स मैंने फेस किए। एक सिंगल फोटोग्राफी के लिए भी मैं अपने बच्चे को लेके, पूरी शूटिंग का सामान लेके मुझे 7 मंजिल छत पे चढ़ के जाना पड़ता है फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट शूट, बिकॉज आई स्टे इन ग्राउंड फ्लोर। तो मेरे यहाँ पे वो सनलाइट पॉसिबल नहीं है एंड जो आर्टिफिशियल लाइट है वो मुझे अपने काम में पसंद नहीं आती है। सो वो स्ट्रगल्स हर स्टेप पे थी और चलता गया, ये स्ट्रगल चलती गई। धीरे धीरे लोगों को मेरा काम दिखने लगा, लोगों को काम पसंद आने लगा, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल, बिकॉज ऑफ माई कस्टमर्स, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड एंड बिकॉज ऑफ ऑल माई ब्यूटिफुल एंड सपोर्टिव फॉलोअर्स, आज मैं यहाँ पर हूँ एंड आई रियली ग्रेटफुल एंड दिल से थैंक यू फॉर दैट।